एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज क्लास 11th मैथमेटिक्स। सो फार हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग पहले उसे जरूर देखें, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। तो बच्चों फटाफट से रेडी हो जाइए एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और जो इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक बता दूं, एक कॉन्सेप्ट है छोटा सा, तो वो क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन। अब ये हाफ प्लेन क्या होता है इसको समझते हैं पहले, और उसके बाद हम बात करेंगे ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल, है ना। ओके, तो कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन, हाफ प्लेन का मतलब क्या है देखिए समझेंगे। जैसे कोई एक्स वाई प्लेन होता है बेटा, है ना, कोई भी एक्स वाई प्लेन होता है लेट सपोज, तो जिसमें से ये x एक्सिस y एक्सिस, इसको x डैश y डैश कहते हैं, है ना। ओके, अब हम इस पे कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, है ना, कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, लेट्स से हमने एक ये वाली लाइन ड्रॉ करती है इस पे। तो ये लाइन क्या कर रही है बेटा, ये लाइन क्या कर रही है, इस प्लेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये लाइन क्या कर रही है, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो इसको कहेंगे बेटा लेफ्ट हाफ प्लेन, और इसको कहेंगे राइट हाफ प्लेन। अब मुझे 110% आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हाफ प्लेन आप बार बार बोल रहे हो, इसने इसको एक्चुअल में हाफ डिवाइड किया है क्या? देखने में तो ऐसा लग रहा है कि सर ये वाला प्लेन जो है वो छोटा है और ये काफी बड़ा लग रहा है, तो आप इसको हाफ कैसे कह रहे हो? हाफ का मतलब तो एक्चुअल सेंटर में से होगा ना। तो बेटा आपका डाउट बिल्कुल जायज है और कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा आप एक बात भूल गए शायद ना, एक बात, जो एक्स वाई प्लेन आप देख रहे हैं, आप ये तो मानते हैं बेटा ये जो एक्स एक्सिस आप देख रहे हैं कि इनफिनाइट तक है, है ना, मतलब एंडलेस है ये एक्सिस, सिमिलरली ये वाई एक्सिस भी एंडलेस है। तो एक बात बताओ, इस प्लेन का कोई अंत ही नहीं है, ना इस तरफ से ना इस तरफ से। तो बेटा आप इसमें लाइन कहीं पे भी ड्रॉ करोगे तो मैं ये कह सकता हूं कि इस तरफ भी हाफ होगा, इस तरफ भी हाफ होगा, मानते हो ये बात? अरे बेटा आप खुद से सोच के बताओ ना, जब इसका एंड ही नहीं है तो आप ये कैसे पता लगाओगे? समझे नहीं समझे? तो बेटा इसीलिए मैं इसको हाफ प्लेन कह रहा हूं, ये राइट हाफ प्लेन हो गया, ये लेफ्ट हाफ प्लेन हो गया। अब किसी बच्चे ने पूछा कि सर ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या कि आपका जो प्लेन है, लेट सपोज ये वाला जो प्लेन है, ये कुछ ऐसे से बने जैसे कि एक्स और ये वाई, ये एक्स डैश ये वाई डैश, लेट सपोज कुछ ऐसे से। तो बिल्कुल पॉसिबल है यार, इक्वेशन तो ऐसी भी बन सकती है ना, तो इट इज पॉसिबल। तो बेटा इसको क्या कहेंगे सर, इसको क्या कहेंगे, इसको तो आपने राइट और लेफ्ट कह दिया, तो इसको क्या कहेंगे यार, ये तो समस्या है, इसको क्या कहेंगे? तो बेटा इसको कहेंगे अपर, क्या कहेंगे, अपर हाफ प्लेन, है ना, अपर हाफ प्लेन। और इस वाले को क्या कहेंगे, लोअर हाफ प्लेन, है ना, तो लोअर हाफ प्लेन। ओके, अभी उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक तो कोई डाउट नहीं रहा होगा, है ना, बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो आप ध्यान रखना कि कोई भी एक्स वाई जेड जो प्लेन होता है वो किसी लाइन से क्या हो जाता है बेटा, हाफ हो जाता है, और हाफ हो जाता है तो उसको हम किस तरीके से, ये अगर इस तरीके से हाफ हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ, और इस तरीके से हाफ हुआ है तो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं रहा होगा, आप फटाफट से नोट कीजिए इसको। तो बच्चों आगे की बात करते हैं। अब देखो एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहता हूं, आप माने या ना माने ये टॉपिक बहुत इजी है और आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपको चाहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं और क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे समझ में आएंगे, बट लेकिन चल क्या रहा है उसके पीछे, ये बात समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक क्वेश्चन होता है मैथ में वाई क्यों, तो इस क्यों का जवाब अगर आपको नहीं मिलता है
तो बेटा आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, है ना, आपको अपने सॉल्यूशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको पूरी तरीके से सेटिस्फाई करें, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, देखते हैं। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला, मैंने आपको सबसे पहले बोला कि भाई हमने जो टॉपिक करा हुआ है ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल। मैंने लीनियर इनइक्वालिटीज की जगह क्या लिया है यहाँ पे, इक्वालिटी लिया। तो मतलब पहले आपको इक्वालिटी में समझा देते हैं। वैसे तो आप कहो सर सब पता है हमें, क्यों बता रहे हो, मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन मेरा काम है आपको दोबारा से बताना, तो इसलिए बता रहा हूँ, और आपका काम है मेरे लिए मेरी सुनना, ठीक है, तो आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो देखो मैंने एक इक्वेशन ले ली एनसीईआरटी से, लिए मैंने कोई अपने पास से नहीं लिया, एनसीईआरटी से लिए। तो अब इस इक्वेशन का बात करते हैं ना। ओके, सबसे पहले मैंने देखा कि इसमें 20 कॉमन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको छोटा कर दिया जाए 20 से डिवाइड करके। तो ये हो गया 20 से डिवाइड करने पर 2x, ये हो गया y, और ये हो गया 6 ही आएगा, हाँ 0 0 6 देने वाला। ओके, तो ये इक्वेशन आ गई। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन था हमारे सामने, एक्चुअल में हम टॉपिक क्या कर रहे हैं, टॉपिक हम कर रहे हैं ग्राफिकल सॉल्यूशन। तो हमारे सामने यही सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि सर सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन किसे कहते हैं। ओके, तो बात तो बिल्कुल सही पूछी है आपने कि सॉल्यूशन सर कहते किस है, पहले ये तो बता दो। तो बेटा सॉल्यूशन कुछ और नहीं, उन सेट ऑफ पॉइंट्स को कहते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। नहीं बात समझ में, कोई बात नहीं, लेट्स से कुछ मैं लेता हूं, है ना। मैंने यहां पे पुट करा x की वैल्यू को 3 और y की वैल्यू को 0, ठीक है, चलो पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 0 और प्लस, सॉरी 0 नहीं 3 है ना x की वैल्यू, तो और y की वैल्यू 0, अब इक्वल टू में कितना आएगा चेक करते हैं। तो 2 3 जा 6 प्लस 0 इक्वल टू 6, ओके, व्हिच इज राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब आपने क्या देखा कि ये एक सेट ऑफ पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है ना सेटिस्फाई, सर कर तो रहा है, तो इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। ओके, तो किसी बच्चे के मन में ख्याल आया कि सर आप गलत जा रहे हो, सर मैं ना कुछ और पुट करके देखना चाहूं, तो जैसे कि मैं x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू को 6 पुट करना चाहूं, तो क्या करके देखो भाई, तो करके देखा। तो 2 इंटू 0 प्लस y की वैल्यू 6 और यहां से कितना आया 0 प्लस 6 और इक्वल टू 6, ओ ये भी राइट हैंड साइड ले आया भैया। तो इसका मतलब एक बात समझ में आया कि यार ये भी तो एक सेट ऑफ पॉइंट है और जो कि ये सेटिस्फाई भी कर रहा है। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि क्या सर इसके सॉल्यूशन की कोई लिमिट है या नहीं है, मतलब कैसे पता चलेगा। तो एक्चुअल में इसका जवाब यही था कि सर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हमने देखा कि जब एक बच्चा ये आंसर दे सकता है, दूसरा बच्चा ये आंसर दे सकता है, तो तीसरा बच्चा कुछ और भी दे सकता है ना, उसमें कोई शक नहीं है, है ना। बात समझ में आ रही है बेटा आपको, उम्मीद करता हूं अच्छे से आ रही होगी, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब हमने एक बात सीख ली कि सॉल्यूशन कहते किसे हैं और किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के कितने सॉल्यूशन होते हैं। तो बेटा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन हम उन पॉइंट ऑफ सेट को कहते हैं जो कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, पहली बात। दूसरी बात सर सॉल्यूशन होते कितने हैं, तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के, ठीक है। तो हमने इतना सीख लिया। अब हम आगे की बात करें तो एक बार इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है, और फील आएगा थोड़ा सा। तो एक ग्राफ देखते हैं इसका छोटा सा और फिर समझने की कोशिश करेंगे। तो हमने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है इसका। ओके, तो आपको पता ही है कि ये x और ये y, देन ये x डैश ये y डैश होता है ना। ओके, अब इन दोनों पॉइंट से ही बना लेते हैं, चलो जो दो पॉइंट्स हमने निकाले हैं इन दोनों पॉइंट से ही हम ग्राफ बना सकते हैं ना। ओके, तो अंडरस्टूड है। तो x की वैल्यू 3, देखो 1 2 3 मान लो यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, यानी कि पॉइंट यहीं पे आ गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, यानी 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, x की वैल्यू 0 पे y 6। तो कुल मिला के अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनेगा बेटा, चेक कर लो, ऐसे ही बनेगा। हाँ सर बनेगा तो ऐसे ही। तो अब बात ये आती है कि सर इसके सॉल्यूशंस के बारे में थोड़ा सा फील कराओगे। तो आपने तो ये कह दिया कि सर ये वाला सॉल्यूशन है यानी कि 3, 0, और इसका ये भी सॉल्यूशन है यानी कि 0, 6, क्या और भी कोई सॉल्यूशन हो सकता है। तो चेक करते हैं इसके ऊपर कोई पॉइंट ढूंढते हैं। भाई मैंने एक पॉइंट ढूंढा इसके सामने, ये वाला पॉइंट है ना, लेट्स से मेरे को साफ साफ नजर आ रहा है कि 2, 2 पॉइंट है, क्या ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो चलो चेक करते हैं बेटा। भाई अब हमने पुट करके देखा, हमने पुट किया x की वैल्यू को 2 और y की वैल्यू को भी 2, चलो ठीक है। तो देखो 2 × 2 प्लस y की वैल्यू भी 2, तो कितना आ गया बेटा 2 × 4 प्लस 2,
यानी कि 6, ओके, ये भी आरएचएस आ गई, यानी कि हमें बात समझ में आ रही है यहां से कि इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, है ना, ये बात हम कह सकते हैं। तो हमें इतनी बात तो समझ में आ गई कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे के सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे और वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो अब बात ये आती है कि सर इसके ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, तो बेटा आप खुद सोचो कि आप इसको काउंट कर सकते हो कि कितने पॉइंट्स हैं। तो ये काउंटेबल नहीं है, तो काउंट तो हम इसको नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पे अनगिनत पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पे सॉल्यूशन कितने होते हैं, बेटा नंबर ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो इनफिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल है, है ना। चलिए इतनी बात तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली है, और अभी आप फिलहाल अगर थोड़ा सा नोट करना चाहते हो तो कर लो, क्योंकि फिर मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा, फिर मैं तो आगे देखते हैं। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि अभी हमने इक्वालिटीज के ऊपर तो बात कर ली है, अब हम इनइक्वालिटीज के ऊपर बात करेंगे और इसके जो तमाम सारे केसेस हैं वो सारे के सारे देखेंगे, है ना। तो उसमें हमारा इक्वालिटी का भी आता है, तो मैं इक्वालिटी भी लूंगा, आपको इक्वालिटी भी समझाऊंगा। तो मेरे को थोड़ा सा स्पेस चाहिए था, है ना, तो इस वजह से मैंने इसको रफ कर दिया है। अब मैं दोबारा से इक्वालिटी का भी बनाऊंगा और इनइक्वालिटी के सारे केसेस भी बताऊंगा। चलिए पहले इक्वालिटी की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इक्वालिटी की बात करूं, थोड़ा सा छोटा ग्राफ बनाएंगे, है ना, ओके, जिसमें सारे पॉइंट जो है वो कवर हो जाए। तो ये x, ये y, ये x डैश y डैश, है ना, ओके। अब देखिए पॉइंट्स बेसिकली मेरे को याद है अच्छे से कि x की वैल्यू 0 पे y 6 था, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो y 6 समवेयर यहां पे कहीं पे आएगा, है ना, मान लेते हैं। और x की वैल्यू 3 पे y 0 था, है ना, तो x की वैल्यू 3 लेट्स सपोज यहां पे कहीं पे आएगी, ठीक है, ओके। तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसा सा बनेगा, और इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, बेटा इस इक्वेशन के सारे पॉइंट्स सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो हमने ये सीख लिया कि सॉल्यूशन क्या होते हैं और वो कितने होते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, वो सारे के सारे पॉइंट्स ऑफ सेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, है ना। तो इस इक्वेशन को कितने पॉइंट सेटिस्फाई करे होंगे, अनगिनत पॉइंट सेटिस्फाई करे, क्योंकि इसके ऊपर सारे के सारे पॉइंट्स आप देख सकते हैं, कितने सारे, मतलब ये टोटली पॉइंट से ही तो लाइन बनी है बेटा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो इक्वेलिटी की बात हमने कर ली है, अब हम बात करेंगे इनइक्वेलिटी। तो इनइक्वालिटी के लिए देखते हैं। अभी ये क्या थी इक्वेशन हमारे पास, एक एग्जांपल लेते हैं और यही इक्वेशन लेते हैं, 2x plus y, इस बार less than 6 कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इस केस में हम कैसे करेंगे, तो देखो अगर मेरे को इस केस में भी इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो मुझे सॉल्यूशन तो चाहिए चाहिए, और सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है कि मैं पहले इक्वालिटी लूं, उससे पॉइंट फाइंड आउट करूं और फिर उसको ज्वाइन करूं। तो तरीका तो वही है, तरीका अलग नहीं है। तो देखिए मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, कैसे, जैसे हम इक्वालिटी में करते हैं। तो ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है, ओके। तो हमारे पॉइंट ऑफ सेट क्या थे बेटा, पॉइंट ऑफ सेट तो है, ये दो से ही काम बन जाएगा, यानी कि पहला क्या था बेटा, ये वाला था 0.6, है ना, तो 0.6 समवेयर यहां पे कहीं पे आएगा, और दूसरा था 3.0, है ना, ओके, तो 3.0 यहां पे कहीं पे आएगा। अब इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे इसको, ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके। अब सॉल्यूशन ऑफ सेट की बात करते हैं, इसके सॉल्यूशन ऑफ सेट क्या होंगे। अच्छा एक बात हो, अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, याद होगा। कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन में मैंने क्या बताया था कि कोई भी लाइन प्लेन को हाफ कर देती है, आधा आधा कर देती है। इन दैट केस इस वाले पोर्शन को मैं क्या कहूंगा, अपर हाफ प्लेन, और इस वाले पोर्शन को मैं क्या कहूंगा, लोअर हाफ प्लेन, है ना, ओके। अब बात ये आती है कि सर इसके सॉल्यूशन कौन से होंगे और क्या क्या होंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो यार वही वाली बात है, हमने सॉल्यूशन के बारे में अभी अभी पढ़ा है कि जो इक्वेशन या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे, ठीक है, तो पॉइंट ऑफ सेट जो कि इस इन इक्वेशन या फिर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो चलो चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो मैंने यही दोनों पॉइंट्स पे पहले चेक किया, है ना। तो मैंने क्या लिया, अगर इस पॉइंट की मैं बात करूं तो ये वाला पॉइंट कौन सा है बेटा, ये वाला पॉइंट 0.6 है, और ये वाला पॉइंट कौन सा है, 3.0 है, ठीक है, चेक कर लो, ओके। तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही बात करी, देखिए चेक करके देखते हैं। मैंने पहला पॉइंट यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, 2 × 0 + 6 < 6, तो 0 + 6 < 6 और 6 < 6, तो क्या 6 से छोटा होता है, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना। तो ये क्या है बेटा, विच इज फॉल्स, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब ये है, यहां से एक बात निकल के आती है कि ये जो पॉइंट्स है, यानी कि इंटायर लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आ रहे हैं
वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो तो इसको डेफिनेटली सेटिस्फाई नहीं करेंगे, है ना, मानते हो बात, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी का रिजल्ट आपको 6 ही मिलने वाला है और 6 कभी 6 से छोटा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब एक बात हमने सीख ली कि इसके जो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो इस लाइन के ऊपर वाले तो नहीं होंगे। अब यहां से एक बात और निकल के आई कि सर पॉइंट्स ऑफ सॉल्यूशन जो होते हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के हो सकते हैं। तो देखो वो 3 टाइप्स के हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। या तो वो लाइन के ऊपर होंगे जो कि इक्वालिटी में आपको देखने को मिले, या फिर लाइन के लेफ्ट हाफ प्लेन में होंगे, या राइट हाफ प्लेन में होंगे, या फिर लोअर हाफ प्लेन में, या फिर अपर हाफ प्लेन में होंगे, है ना। तो इन दैट केस लोअर और अपर हाफ प्लेन बनता है। तो या तो वो लाइन के ऊपर होंगे, अगर लाइन के ऊपर नहीं है तो फिर वो लोअर हाफ प्लेन में होंगे यानी कि समवेयर यहां पे कहीं पे होंगे, या फिर वो अपर हाफ प्लेन में यानी कि समवेयर यहां पे कहीं पे होंगे। इज इट क्लियर? ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसका इस केस में देखो, इस केस में सॉल्यूशन क्या होते हैं, इक्वालिटी के केस में जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है वही सॉल्यूशन है, लेकिन इस केस में हमने सीखा कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट्स है वो सॉल्यूशन नहीं है। तो अब बात ये आती है कि सर 3 ही केस आपने बताए हैं, तो 3 में से एक केस तो फेल हो गया यहां पे, अब बचते 2 केस, या तो लोअर हाफ प्लेन या फिर अपर हाफ प्लेन। तो यानी कि इसके जो सॉल्यूशन हो सकते हैं या तो लोअर हाफ प्लेन होंगे या फिर वो अपर हाफ प्लेन होंगे। अब बात ये आती है कि सर चेक कैसे करें, पता कैसे चले कि कौन सा सॉल्यूशन है। तो इसका एक ही तरीका है कि आप इसका लोअर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट लो और उस पर चेक करो आपकी स्टेटमेंट 2 आ रही है या फिर नहीं आ रही है, और सिमिलरली या फिर आप अपर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट लो और उस पर चेक करो। तो चलो मैं एक काम करता हूं, मैं लोअर हाफ प्लेन का पहले पॉइंट लेके चेक करता हूं। तो देखो लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट सबसे इजी पॉइंट क्या होगा यार, ये नहीं होगा 0 0, भाई मैं ये भी तो पॉइंट लेके चेक कर सकता हूं ना, ये लोअर हाफ प्लेन में है, इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ हाफ प्लेन समझाया था। ओके, तो चलो अब इस इक्वेशन में मैंने चेक किया कौन सा पॉइंट लेके, लोअर हाफ प्लेन का पॉइंट लेके, दैट इज 0 0, दैट इज ओरिजिन, है ना। तो ओरिजिन लेके चेक किया, तो देखो 2 × 0 और प्लस y की वैल्यू भी 0, भाई ओरिजिन क्या होता है, x भी 0 y भी 0 और लेस देन 6, लेट मी चेक, 2 × 0 0 प्लस 0 लेस देन 6 और 0 प्लस 0 0 लेस देन 6, व्हिच इज ट्रू, चेक कर लो भाई, ये तो ट्रू आ गया भाई, 0 जो है वो 6 से छोटा होता है, और हमारी स्टेटमेंट यही कह रही है ना, आपने देखा कि ट्रू आ गया यहां पे। अब इसका मतलब ये समझ में आ जाता है हमें, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट से हम ये क्लेरिफाई कर सकते हैं कि हमारा आंसर कौन सा है, लोअर हाफ प्लेन वाला है या फिर अपर हाफ प्लेन वाला है। तो मैंने देखा कि लोअर हाफ प्लेन का मैंने एक पॉइंट लिया और उसमें चेक किया और मेरा आंसर 2 आ गया, तो इसका मतलब जो मेरा आंसर है वो इसके नीचे की तरफ के सारे पॉइंट्स हैं, एंटायर पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ लोअर हाफ प्लेन, ठीक है, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके नीचे वो सारे के सारे मेरे लिए क्या है, सॉल्यूशन है। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, आप कहोगे सर एक पॉइंट यहां का भी पुट कर देते तो थोड़ा सा अच्छा रहता, तो चलो एक पॉइंट यहां का भी पुट कर देते हैं भाई, ये 3.0 है तो इसके बाद 4.0 भी आएगा, तो 4.0 पुट करके देख ले। चलो 4.0 पुट करके मैंने चेक किया, लेट मी चेक 4.0, तो 2 × 4.0 लेस देन 6, तो 4 × 2 = 8 प्लस 0 लेस देन 6 और 8 और 0 मिलके 8 आएगा लेस देन 6। अब आप खुद देखो कि 8 0 से छोटा होता है भाई, 8 इज लेस देन 6 व्हिच इज फॉल्स, और अगर ये फॉल्स स्टेटमेंट है तो ये बात कंफर्म हो जाती है हमें कि अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन लोअर हाफ प्लेन है। आई एम डैम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, जो भी मैंने समझाई। अब आपने क्या सीखा, आपने ये सीखा इनइक्वालिटी के केस में, मैं इनइक्वालिटी का केस बता रहा हूं आपको, आपने इनइक्वालिटी के केस में ये सीखा कि इसका आंसर क्या हो सकता था, अगर ये इनइक्वल है तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ या तो लोअर हाफ प्लेन या फिर अपर हाफ प्लेन, दोनों में से एक होता है। अब दोनों में से एक कौन सा हुआ, लोअर हाफ प्लेन हुआ, वो आपने चेक कर लिया ना। अब लोअर हाफ प्लेन, तो इसका मतलब आपने ये तो सीख लिया ना कि यार लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स है वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर मैंने लाइन को सॉलिड लाइन बनाया तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो मेरे को इसको सॉलिड लाइन नहीं बनानी, मेरे को इसको डॉटेड लाइन बनानी है, डॉटेड लाइन, तो मैं इसको डॉटेड लाइन बनाने जा रहा हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा बीच में से रफ कर देता हूं तो ये ऑटोमेटिकली डॉटेड लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो ये डॉटेड लाइन बनानी है आपने, बात क्लियर है। चलो इसको डॉटेड लाइन करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा ब्लैक मार्कर का यूज कर लेता हूँ, है ना। ओके, तो इस तरीके से आपने डॉटेड लाइन बनानी है इस केस में, है ना। अब इसके आंसर्स क्या है बेटा, इसके नीचे वाला रीजन, इसका आंसर क्या है, इसका नीचे वाला रीजन यानी कि ये वाला रीजन, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आपको बात बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसका आंसर बेटा, लोअर हाफ प्लेन,
ठीक है, शेडेड रीजन ऑफ लोअर हाफ प्लेन। आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसका तीसरा केस देखते हैं। अभी इनइक्वालिटी कैसी थी बेटा, लेस देन थी। अब मैं ग्रेटर देन का केस लेता हूं, ठीक है। बट बिफोर दैट मैं इसको रफ कर देता हूं नीचे वाले को, है इसकी आपको जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ हमने आपको समझाने के लिए लिखे थे यहां पे। तो ये यहां से हटाते हैं और देखते हैं इसके बाद। तो क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है तो मैं तीसरा भी यहीं पे कराऊंगा आपको। ओके, तो देखिए 2x प्लस वाई, इस बार मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेटर देन 6 ले रहा हूं, ठीक है। ओके, अब देखते हैं। तो ये आपका y डैश, ये x, ये y और ये x डैश। ओके, तो जब मैंने इक्वेशन सेम ली है, इन इक्वेशन, तो इसका मतलब पॉइंट्स ये सेम ही आ रहे होंगे, ये तो मानते हो, अंडरस्टूड है। तो मैं इसको डायरेक्टली प्लॉट करा देता हूं, है ना, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया है कि आप इनइक्वालिटी के लिए भी पहले तो लाइन बनाओगे, तभी तो उसका आंसर लिखोगे, बिना लाइन के आप आंसर लिख ही नहीं सकते। तो लाइन तो बनाना मैंडेटरी है। चलिए तो मैं लाइन बनाने जा रहा हूं। अच्छा, मैं लाइन डायरेक्ट ही डॉटेड बना दूं, आपको मैंने बता दिया है कि इन दैट केस डॉटेड लाइन बनने वाली है ना, सॉलिड लाइन नहीं बनेगी यहां पे, ठीक है। ओके, मैंने लाइन डायरेक्ट ही डॉटेड बनाई है। अब इसका आंसर क्या होगा, लोअर हाफ प्लेन होगा या फिर अपर हाफ प्लेन होगा, ये बात, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, चेक करने का एक ही तरीका है कि आप लोअर हाफ प्लेन का कोई भी पॉइंट लो और पुट करो, अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो इट मींस लोअर हाफ प्लेन होगा, अदरवाइज अपर हाफ प्लेन होगा, है ना। तो चलिए मैं आपको दोनों ही चेक करके दिखाता हूं। तो लोअर हाफ प्लेन का मैंने पॉइंट लिया, दैट इज ओरिजिन ले लेता हूं, सबसे इजी ओरिजिन रहेगा यहां पे, है। तो ओरिजिन मैंने चेक किया, तो देखो रफ में ही चेक कर सकते हैं हम, 2 0 और ग्रेटर देन 6, तो ये हो गया 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 और 0 प्लस 0 0 ग्रेटर देन 6। अब भैया 0 जो है वो 6 से बड़ा कब से होने लगा, नहीं होता ना, मानते हो ना, नहीं होता, तो इट मींस व्हिच इज फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो इसका मतलब इसका आंसर लोअर हाफ प्लेन तो नहीं है, है ना, इसका आंसर लोअर हाफ प्लेन तो नहीं है, तो इसका आंसर अपर हाफ प्लेन होगा। लेकिन आप होगे सर फील करा दो, थोड़ा सा एक आध पॉइंट पुट करके चेक करा दो। चलिए एक पॉइंट पुट करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया 3.0 है, तो इसके आगे 4.0 रहा होगा भाई, अपर हाफ प्लेन पे कौन सा पॉइंट रहा होगा, 4.0 होगा ना, मानते हो। तो 4.0 पुट करके देखते हैं। तो देखो 2 ऐसी रहा और 4.0 भाई, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, चेक कर लो, और ग्रेटर देन 6, 4 टू द 8 प्लस 0 ग्रेटर देन 6 और 8 प्लस 0 8 ग्रेटर देन 6 व्हिच इज ट्रू, चेक कर लो भाई। ये बात तो सत्य है कि 8 जो है वो 6 से बड़ा होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब इसको, इस इन इक्वेशन को किस पॉइंट ने सेटिस्फाई किया, लोअर हाफ प्लेन के या फिर अपर हाफ प्लेन के, अपर हाफ प्लेन के पॉइंट ने इसको सेटिस्फाई किया। तो इसका मतलब जो इसका सॉल्यूशन रीजन है वो क्या है बेटा, क्या है, शेडेड रीजन ऑफ अपर हाफ प्लेन, है ना, अपर हाफ प्लेन। ओके, तो चलिए इसको शेडेड कर देते हैं थोड़ा सा, ये वाला इसका आंसर होगा। और उम्मीद करता हूं कि बात आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी, है ना। तो देखो अभी तक हमने 3 केसेस ले लिए हैं और तीनों केसेस में एक इक्वेलिटी का था, वो तो आपको बहुत अच्छे से आता है क्योंकि आपने बहुत बार अभी तक में, मतलब बहुत बार पढ़ा है आपने ना इसके बारे में। उसके बाद मैंने इन इक्वेलिटी के 2 केस लिए, एक में मैंने लेस देन रखा था, एक में मैंने ग्रेटर देन रखा था। अब मैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू भी रख के दिखाऊंगा आपको। वैसे तो आप देखोगे तो मैं आपको ऐसे डायरेक्ट भी बता सकता हूं, लेकिन चलो फिर भी कोई बात नहीं, एक बार इन राइटिंग देख लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो हम बाकी ये 2 केस देखते हैं ना यहां पे नीचे। ओके, तो एग्जांपल तो सेम ही है, क्या है बेटा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6, इस बार लेस देन इक्वल टू, भाई लेस देन भी और इक्वल टू भी। यार वैसे एक बात आओ, घेरा लेस देन घेरा इक्वल टू, अगर आप इन दोनों को मर्ज करके देखते हो, फील करते हो, तो आपको वैसे ही नजर आ जाएगा कि आपका आंसर क्या है। लेस देन कहता है कि नीचे वाले ले लो, इक्वल टू कहता है कि लाइन के ऊपर वाले ले लो, और ये दोनों केस है, तो इसका मतलब आप नीचे वाले और लाइन के ऊपर वाले दोनों आंसर लेने पड़ेंगे। तो इसका मतलब इस बार जो लाइन बनेगी वो डॉटेड ना बनके सॉलिड लाइन बनेगी, क्योंकि जो लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे भी मेरे सॉल्यूशन है, और लोअर हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स भी मेरे सॉल्यूशन है। चेक कर लो इन दोनों को, आप कंबाइन करके देखो ना, बस सिर्फ और सिर्फ इतना ही तो करना है। जब आप इसको कंबाइन करके देख रहे हो तो आपको फील आ रहा है कि ये डॉटेड लाइन ना होगी सॉलिड लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो आंसर्स हैं इसके ऊपर के सारे आंसर्स और इसके नीचे के सारे आंसर्स लेने पड़ेंगे आपको। क्लियर है बात? अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी। तो इसका चलो फटाफट से ग्राफ देखते हैं। तो बेटा
ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश वाई डैश, ओके, ये आपका पहला पॉइंट और ये आपका दूसरा पॉइंट। भाई पॉइंट आपको मैंने लिख के नहीं दिखाया, चलो मैं यहाँ पे भी लिखी देता हूँ, 06 था और ये वाला 30 था, है ना, यहाँ पे भी लिख देता हूँ, ये 30 है और ये 06 है, ओके, इनको ज्वाइन करा दिया, इस बार सॉलिड लाइन से ज्वाइन हो गए, है ना। और सॉलिड लाइन क्यों, उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया, बहुत अच्छे से बता दिया है। अब इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक तो नीचे वाला, ठीक है, और एक ये वाला भी। अब आपको भी सर एक बार थोड़ा सा बता देते तो ज्यादा बेटर था, चलो देखते हैं। देखो नीचे वाला तो सेटिस्फाई हो ही जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला जब मैं जीरो रखूंगा इसमें तो ये जीरो जीरो जीरो, यानी कि जीरो लेस देन इक्वल टू 6 आएगा। तो भैया जीरो जो है भले ही बराबर नहीं होता लेकिन छोटा तो होता ही है ना, तो ट्रू है ना, तो इसका मतलब लोअर हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स हमारे सॉल्यूशन है। अब आप कहोगे सर एक बार इसका भी चेक करा दो, चलो इसका पहला पॉइंट रख लेते हैं 06, तो जब मैंने 06 रखा तो 2 इंटू 0 प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 6, तो यहां से सॉल्व करके 0 आ गया प्लस 6 लेस देन इक्वल टू 6, 6 प्लस 0 6 होता है लेस देन इक्वल टू 6। अब आप कहोगे सर 6 6 से छोटा नहीं होता, लेकिन 6 6 के बराबर तो होता है, तो भी तो ट्रू ही आ रहा है, तो इसका मतलब लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी मेरे सॉल्यूशन है और उसके नीचे वाले यानी कि लोअर हाफ प्लेन के सारे पॉइंट्स भी मेरे क्या है, सॉल्यूशन है, चेक कर लो। और उम्मीद करता हूं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट केस रह गया, उसको और देखते हैं फटाफट से, है, चलिए इसको रफ कर देता हूं फिलहाल, इसको तो आपको दिखाते कोई फायदा है नहीं, और इसका लास्ट केस देखते हैं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में आपकी जो इक्वेशन है वो तो सेम ही रखिए, 2x plus y, इस बार ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर दिया, फर्क कितना है ना। चलिए ओके, तो ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, तो आपको पता है पहला पॉइंट तो यहीं पे था 06 और दूसरा पॉइंट समवेयर यहाँ पे था 30 और लाइन इस बार डॉटेड ही बननी थी, सॉरी डॉटेड नहीं सॉलिड, तो सॉलिड लाइन बना दी। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आएगा वो लाइन पूरा और उसके ऊपर वाला आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या है, आपका पूरी लाइन होगी सॉलिड लाइन और अपर हाफ प्लेन हो गया, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा फील करते हैं, भाई मैंने यहाँ पॉइंट लिया ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ पे रखा, तो ओरिजिन रखा तो 200 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 0, 0 इज ग्रेटर देन योर इक्वल टू 6 कब से होने लगा, विच इज फॉल्स, फॉल्स आया ना, तो इसका मतलब लोअर हाफ प्लेन के पॉइंट्स ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो चलो अब आप अपर हाफ प्लेन का पॉइंट रख के देख लो, चलो 4.0 लिख लो, यहाँ पे कहीं होगा ना 4.0, तो 4.0 रखा तो 4 रखा और यहाँ पे 0 रखा, तो 4 2 8 प्लस 0 8 आया, 8 इज ग्रेटर देन 6 होता है, होता है ना, हाँ जी होता है, तो इसने इसको सेटिस्फाई कर दिया, तो इसका मतलब इसके ऊपर के तो है ही है और लाइन के ऊपर वाले तो सेटिस्फाई हो ही रहे हैं, क्योंकि 6 आएगा आंसर, भाई लाइन के ऊपर का कोई भी पॉइंट होगा तो 6 देगा और 6 के इक्वल तो है ये, ये बात तो मैंने यहाँ पे बताई थी। तो उम्मीद करता हूँ बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो देखो अब हमने क्या सीख लिया, अब तक हमने क्या सीख लिया, सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि कोई भी लाइन जो है वो प्लेन को, किसी भी एक्स वाई प्लेन को क्या करती है बेटा, दो हाफ प्लेन में डिवाइड करती है, पहली बात। और देखो उसका यूज देखो, आप खुद देखो ना, तभी तो आपको पता चला है कि लोअर हाफ प्लेन है या अपर हाफ प्लेन है, है ना, उसका यूज है, ओके। उसके बाद हमने क्या सीखा, उसके बाद हमने ये सीखा कि किसी भी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं इन टू वेरिएबल में, तो अनगिनत सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कौन से होते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, तो यहां पे हमने देखा कि कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, ओनली जो लाइन के ऊपर होंगे वही पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ओके। इसके बाद हमने क्या सीखा, इनइक्वालिटी के केसेस देखे, तो इनइक्वालिटी के केस में मैंने पहले लेस देन लिया, तो लेस देन जब मैंने लिया तो मैंने देखा कि जो लाइन के लेफ्ट मतलब नीचे या ऊपर के पॉइंट्स होंगे उनमें से कोई एक ही सॉल्यूशन हो सकता है, अब कौन सा सॉल्यूशन होगा जो इसको सेटिस्फाई करे, अगर लाइन के नीचे वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो नीचे वाला रीजन होगा, ऊपर वाले पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ऊपर वाला रीजन होगा, अब डिपेंड करता है कि कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, सेम केस ये था, ठीक है। लेकिन इन दोनों ही केस में लाइन जो बनती है वो डॉटेड बनती है, क्यों, क्योंकि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स कभी भी सॉल्यूशन नहीं होते क्योंकि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे होते, ये बात मैंने आपको बता दी बहुत अच्छी। अब जब लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का केस आ जाता है तो लाइन सॉलिड बन जाती है, ठीक है, क्योंकि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट्स भी सेटिस्फाई कर रहे होते हैं इक्वेशन को, इन इक्वेशन को सॉरी, ठीक है, और उसके नीचे या फिर ऊपर वाले को करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इतना आपको बहुत बहुत अच्छे समझ में आया होगा, आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड। तो बच्चों देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 जो कि पेज नंबर 126 एनसीईआरटी है, तो तीन एग्जाम्पल है, फटाफट से खत्म करते हैं बच्चों।
और इसमें लिखा है सॉल्व 3x प्लस 2 आई ग्रेटर देन 6 ग्राफिकली, यानी कि हमने इसको सॉल्व तो करना है बट ग्राफिकली सॉल्व करना है ना। ओके और वैसे भी अब हम इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर भी नहीं सकते, क्यों? क्योंकि एल्जेब्रिकली हम कितने सॉल्यूशन फाइंड करके दिखाएंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्यूशन होते हैं वो अनलिमिटेड है, तो हम अनलिमिटेड तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करके नहीं दिखा सकते ना, तो कुछ दो चार तो चलो दिखा भी सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे हम वो सारे इंटायर पॉइंट आपको शो कर सकते हैं, तो इसीलिए जो इनका सॉल्यूशन निकलता है वो ग्राफिकली ही निकलता है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं बहुत ध्यान से। अब आप इसके वन बाय वन स्टेप भी देखना, आपने कैसे क्या करना होता है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले स्टेप में आपने इक्वालिटी ले लेनी है, है ना। तो टेकिंग इक्वालिटी, अब आपको लग रहा होगा कि इक्वालिटी क्यों लेनी है, तो मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपने लाइन बनानी है तो उसके लिए आपको दो पॉइंट्स तो एटलीस्ट चाहिए, तो दो पॉइंट्स निकालने के लिए आपको इसको इक्वालिटी लेनी ही पड़ेगी, है ना। ओके तो हमने सबसे पहले यहां पे इक्वालिटी ली। अब मैं वो दो पॉइंट फाइंड आउट करने जा रहा हूं, तो मेरा जो सेकेंड स्टेप होगा वो क्या होगा बेटा, कि वो दो पॉइंट फाइंड आउट करूंगा, है ना। तो दो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए मैंने एक टेबल बना दी है, इसमें मैं निकाल लूंगा। ओके अब दोनों पॉइंट फाइंड आउट करना बहुत इजी है, आप एक बार एक्स को जीरो लो, एक बार वाई को जीरो ले लो। तो जब मैंने एक्स को जीरो लिया तो वाई की वैल्यू आप देख सकते हैं 3 आ गई, चेक कर लो भाई, वाई की वैल्यू 3 आएगी नहीं आएगी। एक्स को मैंने जब जीरो रखा तो 0 × 3 करा तो 0 आ गया, तो 0 तो खत्म ही हो गया, अब 2 उधर डिवाइड में आ गया, 3 आ गया, है ना। सिमिलरली अगर मैंने वाई को जीरो लिया तो एक्स की वैल्यू 3 आ गई, सॉरी 3 नहीं, एक्स को किसको वाई को जीरो लिया ना तो एक्स की वैल्यू 2 आ गई, चेक कर लो भाई 3 × 6 आएगा नहीं आएगा। उम्मीद करता हूं कि बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, है ना। ओके तो ये दो स्टेप हो गए बेटा इसके, अब इसका तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरे स्टेप में हमने इसका ग्राफ बनाना है, है ना। तो पहले ग्राफ बनाएं या फिर पहले चेकिंग कर लें, चलो पहले चेकिंग कर लेते हैं। तो चेकिंग कर लेते हैं, इसकी जो शेडिंग होने वाली है ना उसकी चेकिंग कर लेते हैं। उसकी चेकिंग करने का तरीका क्या है बेटा, मैं बताता हूं। देखिए वैसे तो मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले ही बताई है सारी बातें, बट एक इजी तरीका भी बताता हूं कि आप ऐसा ना हो, क्योंकि बिना ग्राफ बनाए आप ये नहीं फील कर पाएंगे ना कि इसका जो लोअर रीजन है या फिर अपर रीजन है वो कौन सा होगा, उसमें कौन कौन से पॉइंट आ रहे होंगे, है ना। ओके तो इसका एक इजी तरीका है चेकिंग का, आप टेकिंग करो यहां पर इनइक्वालिटी को, टेकिंग इनइक्वालिटी, अब आप दोबारा से इनइक्वालिटी को टेक कर लो। तो इनइक्वालिटी क्या है बेटा इसकी, 3x प्लस 2y और ग्रेटर देन 6, यही थी इनइक्वालिटी। अब आप देखो 99.99 केसेस में आपने यहां पे x और y को 0-0 पुट करके चेक करना है, लेकिन आप कह रहे हो कि 99.999% केसेस में, लेकिन कुछ परसेंट केसेस तो ऐसे भी है ना जिसमें हम 0 पुट नहीं कर सकते। अब वो कैसे पता चलेगा कि हम किस केस में 0 पुट नहीं कर सकते, जब भी आपका ग्राफ 0 से पास हो जाएगा, मतलब ओरिजिन से पास होगी वाली लाइन, तो खैर अभी तो नजर नहीं आ रही होगी आपको, बट ओरिजिन से पास हो रही होगी, तो आप फिर उस केस में ओरिजिन पे चेक नहीं कर सकते, है ना। मैं बताता हूं आपको कौन सी लाइन ओरिजिन से पास होती है। तो देखो एक ही लाइन है जो कि y इक्वल टू mx प्लस c इस फॉर्म की होती है, y इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म की जो भी लाइन होंगी वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी, बात समझ में आ गई। और y इक्वल टू mx ही मान लो आप, y इक्वल टू पॉजिटिव mx या फिर y इक्वल टू नेगेटिव mx, तो ये वाली लाइन हमेशा ओरिजिन से पास करती हैं, तो इस केस में हमने ओरिजिन को चेक नहीं करना है ना। ओके बाकी हर एक केस में हम ओरिजिन पे चेक कर रहे होंगे, तो यहां पे भी हम चेक करते हैं ओरिजिन के केस में। तो हमने पुट किया x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 इसमें, तो 3 × 0 प्लस 2 × 0 ग्रेटर देन 6, तो 3 × 0 0 प्लस 2 × 0 0 ग्रेटर देन 6 और 0 + 0 0 ग्रेटर देन 6 और विच इज फॉल्स। भाई मैंने क्या बताया था आपको कि अगर ट्रू आ रही है जिस तरफ उस तरफ को शेड कर दो, जिस तरफ ट्रू नहीं आ रही उस तरफ शेड नहीं करना है हमें। तो यानी कि इस तरफ ट्रू नहीं आया, इस तरफ फॉल्स आया, तो इसका मतलब जो इसकी शेडिंग होगी वो चेकिंग पॉइंट ओरिजिन की तरफ नहीं होगी, वो इसके अवे होगी, है ना। तो इसके अवे होगी, तो देयरफोर शेडेड अवे द ओरिजिन, है ना, अवे द ओरिजिन। और ओरिजन को आप चेकिंग पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि ओरिजन क्या है, चेकिंग पॉइंट, तो जिस पॉइंट पर हम चेक कर रहे हैं इसकी शेडिंग का, क्लियर है। तो शेडेड अवे द ओरिजन, तो इसकी जो शेडिंग है वो हमने चेक कर ली कि वो कहां पे होने वाली है ना, तो अवे द ओरिजन है। ओके ओके अब इसका ग्राफ देखते हैं, ओके
ये x, ये y, x dash, y dash, okay. तो देखो वैसे तो बहुत बड़ा ग्राफ बनना ही नहीं वाला, तो मैक्सिमम पॉइंट जो है तीन ही है, तो चार तक ले लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और पहले ही क्वाड्रेंट में बन जाएगा क्योंकि पॉजिटिव है ना, तो बाकी के मैं लिख भी नहीं रहा। अब देखेंगे तो 3.0, भाई 3.0 कहां पे आएगा, चेक कर लो, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, यहां पे आएगा पॉइंट, है ना भाई, देखो ना x की वैल्यू 0 पे y 3, अब दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 2 पे y 0, तो पॉइंट यहां पे आएगा, तो ये दोनों पॉइंट्स आ गए हैं। अब आपने इनको ज्वाइन कराना है, लेकिन मैंने आपको केस समझा दिए हैं, अगर यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं इस लाइन को जो ड्रॉ करने वाला हूं सॉलिड लाइन में ड्रॉ करता, लेकिन अभी डॉटेड लाइन में ड्रॉ करूंगा, ठीक है। तो अभी हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करने वाले हैं इसकी, ओके। तो ये लाइन ड्रॉ होगी, है ना। अब इसकी शेडिंग कहां थी बेटा, घेरा ओरिजन, इसकी शेडिंग अवे द ओरिजन थी, आपने ये बात लिखी है, तो इसकी शेडिंग कहां थी, अवे द ओरिजन, तो टुवर्ड्स यानी कि ओरिजन की तरफ नहीं, इसके बाहर यानी कि इस तरफ, यानी कि इसका आंसर क्या है बेटा, चेक कर लो, इसका आंसर अपर हाफ प्लेन है, इसका आंसर क्या है, अपर हाफ प्लेन, और इसका आंसर डॉटेड लाइन यानी कि लाइन के ऊपर नहीं है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके, ठीक है, और चाहो तो पॉइंट्स को आप लिख सकते हो, पॉइंट्स जो थे वो क्या थे, 2.0, ये वाला 2.0 था और ये वाला आपका 0.3 था, ओके। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि इनका आंसर आ क्या रहा है, वैसे तो आई एम डैम श्योर कि यही आंसर है, बट फिर भी एक बार एनसीईआरटी में देख लेते हैं, तो एनसीईआरटी में आंसर बिल्कुल यही लिखा है और यहीं पे आंसर छोड़ा है। तो आपका जो इसका आंसर है यानी कि सॉल्यूशन ऑफ पॉइंट्स है वो क्या है बेटा, क्या है वो, अपर हाफ प्लेन पे, है ना। चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर देखते हैं एग्जांपल। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 10 जो कि सेम पेज 126 एनसीईआरटी है, तो ये तो और भी इजी है, देखिए क्योंकि इजी क्यों है बेटा ये, क्योंकि ये इन वन वेरिएबल है, है ना, ये टू वेरिएबल भी है, तो ये हमेशा इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको क्या देती है, इस टाइप की इनइक्वालिटी आपको स्ट्रेट लाइन देती है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन देती है या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन देती है। तो कहने का मतलब यह है कि इस टाइप की लाइन आपके जो टू डायमेंशनल ग्राफ होता है, दैट इज एक्स वाई प्लेन, उसको कैसे डिवाइड कर रही होती है, राइट हैंडेड राइट हाफ प्लेन और लेफ्ट हाफ प्लेन में, है ना, ओके। चलिए देखते हैं, तो प्रोसेस सेम ही है सारा, प्रोसेस में कोई वो नहीं है। तो आपने क्या करना है, आपने दो सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। खैर इसमें तो दो निकलेंगे ही नहीं क्योंकि इसमें एक ही निकलेगा, तो देखिए वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले भाई 6 को खत्म कर दें, तो 6 को खत्म करने के लिए मेरे को +6 बोथ साइड कर लेना चाहिए, तो 6 तो कैंसिल हो गया, अब बचा क्या बेटा, 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब 3 को खत्म कर दें, तो 3 को खत्म करने के लिए मेरे को 3 से डिवाइड कराना होगा बोथ साइड, ओके। तो 3 यहां से कैंसिल और 3 से 2 टाइम्स में कैंसिल, तो x is greater than 2, आप देख रहे हैं बेटा x is greater than 2, यानी कि मेरे को एकमात्र यही सॉल्यूशन नजर आ रहा है, इसके अलावा कोई और होगा भी नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके। अब समस्या कहां पे आती है, इसकी प्रॉब्लम कहां पे आती है, प्रॉब्लम कुल मिला के शेडिंग में ही है, कि आपने शेडिंग जब आपने करनी है तो कैसे करनी है। तो देखिए शेडिंग देखते हैं इसकी, पुट कर रहा हूं मैं यहां पे x और y दोनों की वैल्यू को 0। आप कहोगे सर वाई तो है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर वाई नहीं है लेकिन पॉइंट तो एक्स और वाई दोनों होते हैं भाई, कार्टिजन प्लेन पे जब आप पॉइंट देखते हो तो चेकिंग पॉइंट में तो आप एक्स और वाई दोनों देखते हो ना, तो इसीलिए वाई को हम 0 तो पुट कर सकते हैं ना, जब है ही नहीं तो उसमें रखना भी नहीं, लेकिन शो तो कर सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल शो कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, भाई वाई तो था ही नहीं तो खाली एक्स की जगह 0 ही आया। अब ये बात क्या आई है, 0 क्या 2 से बड़ा या फिर 2 के बराबर होता है, नहीं होता, तो विच इज फॉल्स, तो यहां पर ये बात बिल्कुल 100% गलत है ना। और अगर ये गलत है, अगर ये फॉल्स है, तो इसका मतलब जो शेडिंग होगी वो चेकिंग पॉइंट से अवे होगी, टूवर्ड्स नहीं होगी, अवे होगी, सो देयरफॉर शेडेड अवे द ओरिजन, है ना, अवे द ओरिजन।
अच्छा यहाँ पे फिर मैं कह रहा हूँ कि ओरिजन ही क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि चेकिंग पॉइंट मेरा ओरिजन है, क्योंकि 0-0 पुट कर रहा है तो 0-0 क्या है बेटा, ओरिजन पॉइंट है ना। ओके चलिए अब इसका ग्राफ देखते हैं, फटाफट से इसका ग्राफ देखेंगे। तो छोटा सा ही बना देते हैं, ज्यादा बड़ा बनाने की जरूरत भी नहीं है। ये एक्स, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश। ओके अब देखिए मेरे को बेसिकली जाना भी 2 तक ही है, तो एक्स की वैल्यू 2 और उससे बड़ी है, तो मेरे को जाना भी 2 तक ही था। अब 2 कहां पे होगा, एक्स के लिए 2, तो देखो 1 और ये 2 यहीं पे होगा, तो 2 वही जो मेरा पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है। तो यानी कि मैं यहां पे क्या करूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अब ये वाली लाइन या तो डॉटेड बनेगी या फिर सॉलिड बनेगी। तो डॉटेड कब बनती, जब यहां पे इक्वल टू ना होता। भाई हमारी इनइक्वालिटी कैसी है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इसका मतलब सॉलिड लाइन बनेगी। आपको पता, ये बात मैंने बताई थी बहुत अच्छे से इंट्रो में, है ना। लेकिन अगर खाली ग्रेटर देन होता तो डॉटेड लाइन बनती। ओके अब देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, एक्स की वैल्यू 2 और उससे बड़ी। खैर आपको ऐसे नहीं बात समझ आएगी, आप इधर देखो ना, क्योंकि हमने यहीं तक निकाला ये सारा लफड़ा। तो लफड़ा क्या था कि अगर ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मैंने क्या किया भाई, इस लाइन ने इसको दो प्लेन में डिवाइड किया, दो हाफ प्लेन में, एक लेफ्ट हाफ प्लेन और एक राइट हाफ प्लेन, है ना। तो जो लेफ्ट हाफ प्लेन था उसका मैंने एक पॉइंट उठा के इसमें पुट करके देख लिया और वो पॉइंट आ गया फॉल्स। तो इसका मतलब इस तरफ वाले तो इसके सॉल्यूशन है ही नहीं, इसके सॉल्यूशन इस तरफ वाले। तो इसका मतलब मेरे को बात समझ में आ गई कि जो इसकी शेडिंग होनी है वो उस तरफ से होनी है ना। तो चलिए इसकी शेडिंग ये वाली कर देते हैं, है ना, और काम खत्म करते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब आप फटाफट से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम इसके बाद देखते हैं लास्ट अपना एग्जांपल, दैट इज एग्जांपल नंबर 11। तो बच्चों देखते हैं एग्जांपल नंबर 11 जो कि पेज नंबर 127 एनसीईआरटी है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि सॉल्व y लेस देन 2 ग्राफिकली। तो हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है, और जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी करा भी रखा है तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप है ना, जो मैंने तरीका आपको एग्जांपल नंबर 9 में कराया आप बिल्कुल सेम उसी को फॉलो करो, और एग्जांपल नंबर 10 में मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया था, बट कोई बात नहीं, आप उसी को फॉलो करो एग्जांपल नंबर 9 वाले मेथड को। तो करना कैसे है, सबसे पहले आप टेकिंग इक्वालिटी लेते हैं ना, तो बाय टेकिंग इक्वालिटी, तो इक्वालिटी मतलब वाई इक्वल टू 2। अब आपने क्या करना होता है, पॉइंट्स को कैलकुलेट करना होता है। तो बेटा पॉइंट्स तो यही है, इसके अलावा कोई पॉइंट ही नहीं यहाँ पे। एक्स की वैल्यू बस फर्क इतना है कि 0 है ना, और वाई इक्वल टू आ रहा है, चेक कर लो, और एक ही पॉइंट निकल सकता है यहाँ पे। ओके तो वही आपके लिए इनफ होता है ना, इन दैट केस जब आपके पास कैसी होता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होती है, तो एक पॉइंट भी इनफ होता है। ओके अब इसके बाद क्या करते हैं बेटा, बाय टेकिंग इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी ली, दैट इज y लेस देन 2। अब इनइक्वालिटी लेके हम इसमें क्या करते हैं, चेकिंग पॉइंट लेते हैं और वो सब्स्टिट्यूट करते हैं, और ये चेक करते हैं कि हमारा जो पॉइंट है चेकिंग पॉइंट वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो उसकी तरफ के सारे जो भी प्लेन होगा उसकी तरफ वाला प्लेन, वो हाफ प्लेन जो भी होगा वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा, अदरवाइज वो नहीं कहलाएगा, है ना। चलिए चेक करते हैं, तो बाय टेकिंग इनइक्वालिटी अब मैं क्या करने वाला हूं, इसमें पुट करने वाला हूं एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0, है ना। चलिए तो y की वैल्यू जो मैंने 0 रखी क्योंकि x तो है ही नहीं, तो क्या आ गया, ये आ गया 2, which is 2, चेक कर लो, ये आ गया बेटा 2। तो अगर ये 2 है तो हम क्या कह सकते हैं इसको, कि जो शेडिंग होगी वो टुवर्ड्स द चेकिंग पॉइंट, दैट इज ओरिजन, है ना। सो देयरफॉर शेडेड टुवर्ड्स द ओरिजन, है ना, ओरिजन की तरफ शेडेड होगी। ओके अब देखते हैं एक छोटा सा ग्राफ इसका, तो जिसमें ये आपको पता ही है एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश। ओके अब देखिए भाई कितना है आपके पास पॉइंट, वाई इक्वल टू, वाई इक्वल टू कहां पे होगा, पॉजिटिव वाई इक्वल टू है, तो 1 अगर यहां पे तो 2 यहां पे होगा लगभग, मानते हो, है ना, थोड़ा सा डायरेक्ट कह रहा हूं बस। और मैंने आपको बताया था जब जब आपके पास सिंगल वेरिएबल में होगी तब तब आपका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, है। तो खैर स्ट्रेट लाइन तो बनेगा बनेगा, या तो वर्टिकल लाइन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन, कहने का मतलब ये, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा, है ना। अगर वाई
कि क्या कहते हैं इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर x इक्वल टू समथिंग आ रहा है तो वर्टिकल लाइन बनता है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। और आपका जो पॉइंट था वो क्या था बेटा, मैं दोबारा उसको मार्क कर देता हूं, आपका पॉइंट था ये, ओके, यानी कि 2। ठीक है, अब शेडिंग की बात करते हैं, शेडिंग की बात करते हैं। और आप एक काम क्या करो बेटा, लाइन के ऊपर है ना इनकी इक्वेशन भी लिख दिया करो, तो y लेस देन 2 है ना, तो ये भी लिख दो। चलिए ठीक है, शेडिंग कहां पे, इसकी ओरिजिन की तरफ है ना, तो ओरिजिन की तरफ शेडिंग कर दें इसकी। ओके, अच्छा ओरिजिन की तरफ मैं शेडिंग तो कर दूंगा, लेकिन एक बात देखिए आपने इसमें, एक बात नोटिस की, यहां पे क्या है बेटा, y लेस देन 2 है, y लेस देन इक्वल टू 2 नहीं है, तो जब जब लेस देन या फिर खाली ग्रेटर देन होता है तब तक जो लाइन बनती है वो कैसी भी लाइन बनती है बेटा, डॉटेड लाइन बनती है, सॉलिड लाइन नहीं बनती। तो मैं इसको डॉटेड लाइन बनाऊंगा, है ना, तो मैं थोड़ा थोड़ा सा इसको डॉटेड लाइन बना देता हूं। इस तरीके से है, और इसका जो रीजन है वो कौन सा है, नीचे वाला, यानी कि ये वाला रीजन है। तो आई एम श्योर कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये वाला जो प्लेन है, यानी कि लोअर प्लेन, लोअर हाफ प्लेन, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, उम्मीद करता हूं कि बहुत बहुत अच्छे समझ में आपको आ गया होगा। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, और इस क्वेश्चन के साथ, यानी कि एग्जांपल नंबर 11 के साथ आपका इंट्रो जो है 6.2 एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। और मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूं कि आप इसका सॉल्यूशन खुद से ट्राई जरूर जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि आपसे डेफिनेटली सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट से अब आप नोट कर लीजिए, और समय हो चुका है आपसे अलविदा कहने का। सो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।